अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध की दो बड़ी जमातें एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर आमने सामने। इसकी शुरुआत भी जुमे के रोज जब हमने देखा कि खिताब में अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि अगर उर्दू बोलने वाले सिंधी पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं तो उनके लिए एक अलग सूबा बना दें। ये अगर का जो लफ्ज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमक्यूएम ने कहा कि हमने किसी किस्म की डिमांड नहीं की है नए सूबे की। हमने कहा कि अगर ज्यादती हो रही है और हम पसंद नहीं किया जाता हमें तो फिर एक नया सूबा बना दें। उसके बाद जो एमक्यूएम के मुखालफिन है उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया में भी एमक्यूएम का कहना है कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। और इसके बाद जब कल जलसा हुआ एमक्यूएम का तो उसमें खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन साहब ने क्लेरिफिकेशन दी अपने पहले बयान की और कहा कि मुझे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, मैंने हरगिज ये नहीं कहा था कि एक नया सूबा सिंध में बनना चाहिए। लेकिन इस बात का उन्होंने इस बात को जरूर दोहराया कि किस तरीके से शहरी और दही इलाकों में पीपल्स पार्टी की जानिब से फर्क किया जा रहा है। मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा वो क्लिप जो कल के खिताब का अल्ताफ हुसैन साहब के वो आपको सुना दूं ताकि कोई चीज इसमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना ली जाए और इसके बाद इस पर हम बात करेंगे। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन जब कल जलसे से खिताब कर रहे थे उसकी चंद झलकियां हमने आपको दिखाई। दो तीन बड़े अहम सवाल हैं जो इस वक्त मेरे जहन में भी हैं और हमारे देखने वालों के जहन में भी होंगे। उनमें एक सवाल तो यह कि इस वक्त एमक्यूएम ने यह क्यों बात की है कि सिंध वन सिंध टू कर दिया जाए। चलें ठीक है, आप दो सूबों की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस किस्म का डिविजन भी क्यों होना चाहिए, यह बात इस वक्त क्यों हो रही है? और हमेशा अगर मगर करके सूबे का जिक्र किया जाता है तो क्या वाकई एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि एक दूसरा सूबा सिंध में बनाया जाए शहरी इलाकों का जिसमें कराची हैदराबाद हो? और फिर एक अहम सवाल यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में सूबों की बात भी होती है, उसके हवाले से जो है असेंबली में रेजोल्यूशंस भी दी जाती हैं, तो वहां तो मुल्क तोड़ने का इल्जाम नहीं लगता सियासी जमातों पे जो कि ये ख्वाहिश रखती हैं कि एक और सूबा बनना चाहिए, चाहे वो साउथ पंजाब सूबा हो या सरायकी सूबा हो। लेकिन जब भी कराची में, जब भी सिंध में कराची सूबे की या किसी और सूबे की बात होती है तो फिर ये क्यों कह दिया जाता है कि मुल्क दुश्मन है और ये मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो सिंध वन सिंध टू का फॉर्मूला है ये कितना प्रैक्टिकल है? हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुतहदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शमीला फारूकी, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। और हारून रशीद साहब सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। आसिफ हुसैन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्यों इस वक्त इस चीज का जिक्र किया जा रहा है, इतनी नाइंसाफी क्यों, क्या हो गई है उर्दू बोलने वालों के साथ या फिर एमक्यूएम के साथ जो आप लोग सिंध में एक डिवीजन की बात कर रहे हैं, चाहे वो दो सूबों वाला डिवीजन ना हो लेकिन सिंध वन सिंध टू का ही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बात हैदराबाद के जलसे में हुई या कराची में कल, ये सारी चीज़ों को अल्ताफ भाई ने क्लियर भी किया, वाजे भी किया। और आपको याद होगा कि अल्ताफ भाई ने माजी में भी हमेशा एक बात कही कि हम सिंध का हिस्सा हैं और हम सिंध को जो है वो मजबूत देखना चाहते हैं और खुशहाल देखना चाहते हैं।
जो बात हैदराबाद के जलसे में थी वो इस कंटेस्ट में थी कि वो एक शिकवा था। देखिए, मुतालबा और शिकवा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और वो जो शिकवा था वो यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर उन तमाम मसाइल को जो शहरी इलाके के लोगों या सिंध के दे इलाके के लोगों उन तमाम मामलात उन मसाइल को हल करने की उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हुकूमत में हैं, वो चीज़ों को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर माजी को देखा जाए तो जितने माजी में मसाइल रहे, जितने प्रॉब्लम्स रहीं, और फिर हाल में जो बल्दियाती जो कवानीन थे जिस तरह रातों रात वो तब्दील हुए, फिर जब हम अदालतों में गए तो फिर उसमें अमेंडमेंट लाई गई, ये सारी चीज़ें इस बात को वाजे कर रही हैं। और फिर एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, माजी में एक स्टेटमेंट भी आता रहा, फिर मजरूर साहब ने कहा कि जी हम हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। भाई आप 10 यूनिवर्सिटियां बनाएं, आप पूरे सिंध में डेवलपमेंट करें, आप पैसा लगाएं, शहरी इलाकों पे लगाएं, देही इलाकों पे लगाएं, लेकिन वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही। वो पैसा जो सिंध में लगना चाहिए था वो भी अरबों रुपए गया, मगर सिंध में डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। आपने पिछले 5 सालों में लेफ्ट हुआ पैसा, इम्तियाजी सलूक आप कह रहे हैं कि हो रहा है, बिल्कुल यकीनी तौर पर चीजें हैं, और वही वो शिकवा है, उसको बैठ कर हल करें, उसको मामला करें। तो ये भी कहा हल करने के बजाय अगर ऐसा होगा तो हमें फिर नया सुबह बना दे, तो वो अगर तो जो आप कह रहे हैं वो तो हो रहा है। देखिए, जो सूरत हाल है इस सूरत हाल में इस बात को बिल्कुल वजाहत के साथ पेश किया गया है कि अगर कल हमें सिटी गवर्नमेंट की सूरत में इख्तियारात मिले थे, हमने कराची में काम किया ना, कराची तो सिंध का हिस्सा है। हम आज कहते हैं कि अगर आज हमें जो है वो सिंध में अगर इख्तियारात मिलते हैं तो हम सिंध में भी इस तरह काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज आपके पास इख्तियारात हैं, पिछले 5 साल आपके पास इख्तियार था। आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम लोगों को एक नजर से देखें, सबको लेकर चले और उनको वो तमाम चीजें, इस तरह के बयान देना कि जी हम यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे, लोकल गवर्नमेंट का है, आसिफ हसैन साहब पीपल्स पार्टी का, जिसमें आप कह रहे हैं कि तफरीक हो रही है, क्या इस रवैये का यही एक रिजल्ट होना चाहिए कि अब दो सूबे या दो डिवीजन हो जाए सिंध 1 सिंध 2 के? देखिये, बात मैं फिर क्लियर करूंगा कि बात डिवीजन की नहीं है, बात इख्तियारात की है, वसाइल के इख्तियारात, के वसाइल की तकसीम किस तरह हो। अगर सिंध के शहरी इलाके के लोगों को पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी ने 54,000 नौकरियां सिर्फ सूबे में दी, मुझे बताएं 40% कोटे पे कितना अमल किया गया। माजी में जितने डेवलपमेंट के पैसे दिए गए, मुझे बताएं कि किन इलाकों में, कितने शहरी इलाकों में कितने पैसे दिए गए और कितने वो पैसे उन स्कीमों पे लगे। लोकल गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में आपने जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए। मैं चाहूंगा शमीला फारूकी साहब से इस चीज का जवाब दे लेना। शमीला फारूकी साहब, आपने बात सुन ली आसिफ हसनैन साहब की, और आई एम श्योर कल आपने खिताब में भी कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि वसाइल की तकसीम ठीक तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये तफरीक पैदा हो रही है शहरी और देही इलाकों में। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, आप लोग हुकूमत में हैं, और अब ये कह रहे हैं कि नौबत यहां तक आ गई कि अब सिंध 1 सिंध 2 का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने की जरूरत है। जी शुक्रिया शहजाद। देखिए, जहां तक वसाइल की तकसीम का मामला है तो इस पे तो बैठ के बातचीत की जा सकती है, लेकिन जो एक लंबी फहरिस्त आसिफ भाई ने अभी बताई है जिसमें काफी सारी शिकायत सामने आई है, उस हवाले से आज से पहले तो मैंने या मेरी जमात ने कभी ये बातें नहीं सुनी। अब पिछले 5 साल तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारे साथ कोलिशन पार्टनर थी में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी, और उससे पहले 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत में थे। अच्छा, कभी हमने ये नहीं सुना कि जना कोटा सिस्टम के ऊपर कोई मसला आया हो या कोटा सिस्टम को एक्सटेंड करने के ऊपर इन्होंने हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में बैठ गए हो, के तकसीम की बात पहले की गई हो, या इनके जो वजरा थे या इनके जो एमपीए थे जिनके अपने डेवलपमेंट फंड्स हैं, इनके अपने नाजिम थे, इनके अपने काउंसलर्स भी थे, एमपीए भी थे। तो जनाब अगर और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से थे, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, ये तो सवाल फिर उनसे भी पूछा जाए कि भाई वो आपके एमपीए हैं और डिवेलपमेंट फंड कहाँ लगाए, सिंध से भी आपके एमपीए आते हैं, और फिर ये है कि आपके जो मेंबर्स थे वो कैबिनेट के मेरे कोलीग्स थे तो उनके पास तो आपका इशारा इस तरफ है कि मसला ये वसाइल की तकसीम का नहीं है। नहीं देखे ना, वसाइल की तकसीम के ऊपर देखिए मसला हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि जी 100% जो है वो इनकी मर्जी या हमारी मर्जी के तहत काम हो रहा है, लेकिन अब जो शिकायत आ रही है सामने से पहले हमने नहीं सुनी, ना ही आज से कोई एक माह कबल
असेंबली के अंदर मैंने कभी कोटा सिस्टम के हवाले से बात नहीं सुनी। अभी 25 जुलाई फेडरल कैबिनेट मीटिंग में कोटा सिस्टम एक्सटेंड किए, फेडरल मैटर है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने 20 साल की एक्सटेंशन दे दी, उस पे भी हमने कभी नहीं सुना कि चलो असेंबली में एक रेजोल्यूशन आ जाता। सुने ना मेरी बात, या नेशनल असेंबली के अंदर जो है इसके ऊपर इसके खिलाफ रेजोल्यूशन आ जाता या वहां पर इनके लोग एहतजाज करते, या जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है उसके बाद। अच्छा, एक रेजोल्यूशन 2005 में, आई थिंक मई 2005 की बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लेकर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब जो मल्टी नेशनल हैं और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जो कराची में है वो कराची के लोगों को नौकरियां दें। तो क्या इस पे फिर क्या सिंध के लोग, पीपल्स पार्टी ने बड़ा एहतजाज किया, तो फिर जो रूरल एरियाज की जो सिंध के लोग हैं उनका आप रास्ता रोक रहे थे। ठीक है, मुझे अगर मुख्तसर आप ये बता सकती हैं कि अगर चले ये वजह नहीं है तो फिर क्या वजह है कि इस वक्त जो है दो सूबों की बात हो रही है या सिंध वन सिंध टू की बात हो रही है? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं इस इशू को एड्रेस किस तरह करूं, तकसीम कहूं, डिवाइड कहूं, क्या करूं। बात ये है कि मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ और मैं खुद अल्ताफ हुसैन साहब की बेइंतहा इज्जत करती हूँ और मेरे मोहसिनों में से वो हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले सारे लोग मेरे भाई हैं, बहुत मेरी इज्जत करते हैं और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर कोई इशू है मिल बैठ के वो हल हो सकता है ना। अब पाकिस्तान के बने हुए इतनी दहाइयां गुजर गई, उसके बाद अगर आज भी हम जबान की बुनियाद के ऊपर इश्यूज बनाएंगे तो क्या मुल्क की वो कंडीशन इस वक्त है कि जहां पर हम डिवाइड हो जाएं? या इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हम मुत्तहिद होके एक पाकिस्तानी बनके ये जो दहशतगर्द है, ये जो दहशतगर्दी है जो किसी को नहीं छोड़े, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे पंजाबी हो, पठान हो, शिया हो, सुन्नी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको मार रहे हैं। तो ये तो वक्त नहीं है ना, ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि जनाब हम दहशतगर्दों के हाथों में खेल रहे हैं। हारून रशीद साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और एमकेएम की क्या वाकई ख्वाहिश है कि एक सूबा जो है सिंध में बनना चाहिए शहरी इलाकों पे, जो कि जिसमें कराची भी हो, हैदराबाद भी हो, या फिर आप समझते हैं कि उनके इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है? देखिए, इसकी तशरीह तो वो खुद ही कर सकते हैं, मीडिया के रिएक्शन आपको मालूम है। सूबे तो जब बनेंगे छोटे कौमी इत्तफाक राय से बनेंगे और बहुत सारे बनेंगे। मेरी राय यह है कि डिवीजन की सतह पर सूबा होने चाहिए और इसी तरह उनके अगर नंबर न रखे जाएं तो कोई और उनके लिए अलामतें मुकर्रर हो सकती हैं। सिंध के अंदर बने, पंजाब में तो बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है, बहुत बड़ी आबादी है, बलूचिस्तान में भी जरूरत है। वो डिवीजन की सतह पे बने, लिसानी बुनियाद पर नहीं बननी चाहिए, इंतजामी बुनियाद पर बने चाहिए, मगर ये उसका वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन साहब खुद भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी तशरीह जो की है उसमें दरअसल उन्होंने अपना मुतालबा एक तरह से वापस ले लिया है। जोर उनका इस बात पर है कि हुकूक और इख्तियारात सबको मिलने चाहिए, और अलबत्ता लहजा उनका ठीक नहीं था और पीपल्स पार्टी का भी ठीक नहीं है रिएक्शन में। इसमें बरहम होने की बात क्या है? शहरियों के, शहरी इलाकों के जो लोग हैं उनके भी कुछ मसाइल हैं, देही इलाकों के भी मसाइल हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि देही इलाकों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है, जैसे मशरकी जर्मनी में किया गया, बहुत पीछे था वो, ये तारीख में इसकी लातादाद मिसालें हैं। आप केक इतना छोटा है उस पर लड़ झगड़ रहे हैं, केक का साइज बड़ा करना चाहिए। अमनो अमान अगर हो, अंडरस्टैंडिंग अगर हो, सियासी इस्तेहकाम अगर हो, अगर इंसाफ से चला जाए तो जॉब्स बहुत क्रिएट हो जाएंगी, मल्टीनेशनल्स आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, चीप लेबर मौजूद है, देही सिंध अफलास का मारा हुआ, बड़ी बुरी हालत है। कराची में भी मसाइल हैं लेकिन देही सिंध की हालत बहुत खराब है और देही बलोचिस्तान की हालत बहुत खराब है, उसके बाद सराय की बेल्ट में बड़ी गुर्बत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, किसी बात नहीं करनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि देही सिंध जो है वो अफलास का मारा हुआ है, उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे जो पार्टी कंप्लेन कर रही है, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वसाइल की तकसीम ठीक नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि शहरी इलाकों को नहीं मिल रहा है, यहाँ तो बात उल्टी है। कुछ ज्यादतियां शहरी इलाकों के साथ हो रही है, कोई देही इलाकों के अवाम के साथ हो रही है, उमरा के साथ तो कहीं भी नहीं हो रही, ना इनकी लीडरशिप को कोई तकलीफ है ना उनकी लीडरशिप को कोई तकलीफ है। एमकेएम सेंसिटिव है बहुत ज्यादा इसमें, सिंधी भी इसमें एक चीज में बहुत सेंसिटिव है, कराची को कैपिटल बनाया गया था तो हालांकि कायदे आजम ने बनाया था, उस पर सिंधी अखबारात ने बहुत बावेला किया था, बहुत ही तल्ख लहजा इख्तियार किया था, एक तरह का बहरान पैदा हो गया था। इसका तरीका यह होता है, चीफ मिनिस्टर को मैंडेट दें, जरदारी साहब या जिसको देना चाहे वो पसंद करें पार्टी चाहे, उधर से एमकेएम मैंडेट दे, अपने गवर्नर साहब को दें या उनको दें, हैदर इमाम रिजवी को,
किसी को भी बैठ के इस पे बात कर लें। इसमें मुझे वो इश्यू बताइए जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। एक बात साफ नजर आती है, खा पंजाब में उससे ज्यादा शिद्दत के साथ नजर आती है जितनी सिंध में है, कि बल्दियात को इख्तियारात न दिए जाएं, अब बल्दियाती इलेक्शन कराए ही ना जाए, कराए जाए अच्छा उसमें बल्दियात में ये नहीं कि कराची सिटी को न दिए जाए, हैदराबाद सिटी को न दिए जाए, सिंधी अक्सरियत के जो शहर है उनको भी न दिए जाए। बल्दियात को तो कोई हुकूक देना नहीं चाहता, सूबों तक मुंतकिल हो गए, ये शहरों नीचे शहरों में ये मुंतकिल होने हैं, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे मीडिया की आजादी नहीं रोकी जा सकी, अदालतों की आजादी नहीं रोकी जा सकी, होता हुआ नहीं नजर आ रहा, यही प्रोसेस होता है। हारून रशीद साहब फिलहाल आपको होगा नहीं, फिलहाल क्या, फिलहाल हमने तो जब मैंने 68 में जर्नलिज्म शुरू किया था, 58 से मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मैं यही सुनता आया हूं कि कोई ये नहीं हो सकता। और भाई चीजें एक जगह पे कभी ठहरती नहीं है, हर हुक्मरान जाता है, सिचुएशन बदलती है, सिचुएशन डिक्टेट करती है। सिचुएशन में अल्ताफ हुसैन साहब का लहजा बदला है, पीपल्स पार्टी वालों का लहजा भी बदलेगा। इस वक्त सूबों का सूबे नहीं बन सकते, हालांकि बनने चाहिए, मैं तो कहता हूं सदारती निजाम होना चाहिए डायरेक्ट, और इस पे बहुत से लोग इसके कायल हैं, लेकिन इस वक्त नहीं छेड़ना चाहिए इन चीजों को। ठीक है, ये वक्त दुरुस्त है, आप समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये वक्त दुरुस्त है। वो गालिब का मिसरा है कि खेल लड़कों का हुआ, दीदा बीना न हुआ, और जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। ये बैठे हैं, ये किस तरह इतने इमोशनल है पॉलिटिकल लीडरशिप। अब पीपल पार्टी की उम्र हो गई 40 साल, एमक्यूएम की भी होगी 30-35 साल, अब भी ये इतना जज्बाती रवैया, जज्बाती रवैये से तो चीजें तय नहीं होंगी। दोनों की बातें दुरुस्त हैं, ठीक है, रवैया दोनों का जो है रवैया जज्बाती है। ब्रेक लेने दें, उसके बाद मैं पूछ भी लूंगा, क्योंकि अल्तन साहब ने भी ये कहा कि वक्त बहुत गुजर जाएगा, इससे पहले बेहतर है कि हम मिल बैठ के बात करें। शर्मिला फारूकी साहब भी यही कह रही है कि मसले ऐसे नहीं है जो बैठ के रिजोल्व नहीं हो सकते, तो फिर क्यों जो है इसको रिजोल्व नहीं किया जा रहा। और ये सवाल बड़ा अहम है शर्मिला फारूकी साहबा का एमक्यूएम से, कि क्यों पहले उन्होंने कभी वसाइल का जिक्र नहीं किया। पिछले 5 साल में वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे थे, इससे पहले भी काफी के साथ हुकूमत में थे, उस वक्त ये वसाइल का जिक्र क्यों नहीं हुआ, उस वक्त कोटा सिस्टम का जिक्र क्यों नहीं हुआ। आसिफ हसैन साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। आसिफ हसैन साहब, ये बड़ा अहम सवाल है कि वसाइल की तकसीम के हवाले से अब बात की जा रही है। शर्मिला फारूकी कह रही है यकीनन ये एक मसला हो सकता है, लेकिन इसको बैठ के रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इस स्टांस को सामने लाए, वो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मसला है, तो इसका जिक्र पहले क्यों कभी नहीं किया। मैं याद दिलाऊं कि इसका जिक्र हमेशा होता रहा है, और माजी में आपको याद होगा कि जब एमकेएम हुकूमत से बाहर आई तो उसमें एक वजह यह भी शामिल थी कि वो तमाम मिनिस्ट्रियां जो एमकेएम के पास थी, जब उन मिनिस्ट्रीज के हवाले से कोई फाइलें आगे जाती थी तो वो चीफ मिनिस्टर हाउस में रुक जाती थी और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। यही वजह थी कि वो इख्तियारात जो कि चाहिए थे जो शहरी इलाकों में या देही इलाकों में या हमारी हमारे जो मिनिस्टर्स थे जो सिंध में काम करना चाहते थे, वो इख्तियारात नहीं मिले और वो इशू शामिल था। इसी तरीके से कोटा सिस्टम के हवाले से रिकॉर्ड पर है चीज़ें सिंध असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में। मैं खुद जो है कई दफ़ा हैदराबाद रिजवी भाई तमाम लोग इस इशू को हमने टेकअप किया है, चीज़ें उठाई हैं। ये कोटा शर्मिला फारूकी साहब गलत कह रही हैं, वो कह रही हैं कि ना प्रोविंशियल असेंबली में ना नेशनल असेंबली में इस इशू को नहीं रेज किया गया, जबकि उसको एक्सटेंड किया गया। देखिए कोटा सिस्टम तो सिर्फ 10 साल के लिए था, और कोटा सिस्टम तो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में था। यह वाइस सूबा है कि जहाँ देही और शहरी का कोटा किया गया, तो आज आप उस देही और शहरी के कोटे को, हम तो ये कहते हैं कि जी जो 40% कोटा है सिर्फ उसी को निकाल के देख लें कि आपने जो सूबे में वसाइल तकसीम किए हैं, जो नौकरीज दी हैं, जो डेवलपमेंट के पैसे दिए, आपने उस 40% और 60% कोटे पे कितना अमल किया है। और इसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन, मुझे बताएं कि कल आप इस्लामाबाद से लड़ रहे थे कि जी वो बल्दियाती हवाले से आम आदमी को इख्तियार दो, जब आपके पास वो इख्तियार आ गए, आज पिछले 5 साल में वो सारा पैसा कहाँ गया डेवलपमेंट का। हम ये नहीं कहते कि जी शहरी इलाकों में, सिंध के बिल्कुल आरून साहब ने सही कहा कि देही इलाकों में अगर ये हाल है तो 5 साल तक तो पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की है, और ये 5वीं दफा गवर्नमेंट है, पिछली दफा पूरे 5 साल मुकम्मल किए। हमसे ये शिकायत होती थी कि जी एमक्यूएम साथ नहीं देती, हमने पूरे 5 साल आपको मौका फराहम किया, अगर फिर भी सिंध नहीं बन सका, फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, फिर भी वहां की हालत बेहतर नहीं हो सकी, तो और कौन आके बेहतर करेगा। और अगर हम शिकवा करें कि जी हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, हमारी चीजों में इजाफा हो रहा है, हमें ये सारी चीजें नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे लोग नहीं लिए जाते, यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस हम नहीं बना सकते, आप 10 बनाए यूनिवर्सिटियां 10 कॉलेज, आप इस बात पर क्यों है कि जी कराची में नहीं बनेगी, हैदराबाद में नहीं बनेगी। ये सारी जो चीजें हैं ये लोगों को
پھر ان لوگوں کو جو مخالفین ہیں, دیکھیں جب لوگ مخالفین ہوتے ہیں جو کوشش بادی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ایشو ملے تو وہی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج مخالفینوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی شکوہ بھی ایم کیوم کرتی ہے تو اس کو کسی اور رنگ سے پیش کیا جاتا ہے, یہ قطعی طور پر غلط ہے. اب ذمہ داری اگر کہتے ہیں بیٹھنے کی ہے تو بیٹھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے. ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ اس میں ترامیم کرتے ہیں, امینڈمنٹ کرتے ہیں, نہیں کراتے الیکشن, تو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی ایم کیوم تو نہیں کرا سکتی وہ الیکشن. تو آپ جو ہے وہ شروعات کریں بہتری کی طرف, کیسے لوگ نہیں جو ہے وہ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہوگی, ول نہیں ہوگی, نہیں کرنا چاہیں گے, تو پھر لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ شکوہ نہ کریں, وہ اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھیں, وہ شور نہ کریں, وہ احتجاج نہیں کریں. ایسا جی شمیلہ فاروق صاحبہ. دیکھیے شہزاد, میں پھر اپنی بات دہراؤں گی کیونکہ میرے بھائی نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا کہنا یہ ہے کہ 25 جولائی کو پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ پرسکرائب کری اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ آیا, اور میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کیبنٹ اپروڈ میجرز ٹو امینڈ آرٹیکل 27(1) آف دا کانسٹیٹیوشن وچ الوکیٹس دا کنٹریز فور پروونسز گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, فاٹا, کوٹاز اینڈ گورنمنٹ جابس. پھر اس کے بعد آپ یہ سنیں, دی ایگزٹنگ پروویژن ول بی ایکسٹینڈیڈ فار اندر 20 ایئرز فرام August 14, 2013. کیا ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی احتجاج دیکھا نیشنل اسمبلی میں یا سڑکوں کے اوپر یا سندھ اسمبلی میں؟ ہم نے کوئی ریزولوشن دیکھا اس کے خلاف کہ وہ لے کر آئے؟ اسی پوائنٹ پر میں جواب لے لیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا, میں جواب لے لیتا ہوں. بالکل لے کر آئے, بالکل لے کر آئے. ریکارڈ کا حصہ ہے, ہم نے کالنگ اٹینشن دیا, اس پر بحث ہوئی, اس پر بات ہوئی, بالکل لے کر آئے. مطلب میری بہن اگر وہ چیز اس دن موجود نہ ہو تو, یا ٹی وی پہ نہ دیکھا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے. ہم ساری چیزیں لے کر آئے, اس پر آواز اٹھائی ہے, اس پہ کالنگ اٹینشن لا کر بات ہوئی ہے. بات کمپلیٹ نہیں کری میرے بھائی, میں نے بات کمپلیٹ نہیں کری. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج وسائل کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر ایک الگ صوبہ, یہاں تک کہ الگ ملک بنانے کا مطالبہ ہو چلا ہے جو کہ تشویشناک ہے. تو کیا ہم نے اس ایکسٹینشن پہ کوئی احتجاج, کوئی دھرنا, کوئی ہڑتال, کوئی پرائم منسٹر سے ملاقات کچھ دیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اس کے برعکس May 2005 میں مقامی موومنٹس ان اسمبلی میں ایک ریزولوشن لے کر آئی جس میں یہ تھا کہ جناب جو ملٹائی نیشنلز ہیں, جو انڈسٹریز ہیں کراچی کی, اس میں کراچی کے لوگوں کو نوکری دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے علاوہ جو باقی سندھ ہے, جو رورل سندھ ہے, اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. تو کیا وہ وسائل کی صحیح ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی تھی؟ اس پہ پیپلز پارٹی نے بھرپور احتجاج کیا سندھ اسمبلی کے اندر اور سندھ اسمبلی کے باہر. تو دیکھیے تاریخ میں بہت ساری ایسی چیزیں. اور پھر میرے بھائی نے یہ کہا کہ 5 سال ہم نے ڈیلیور نہیں کیا سندھ کے اندر, تو مجھے بتائیے, آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, اور اس سے پہلے 5 سال تو آپ سندھ میں حکومت میں بیٹھے تھے, ہم اپوزیشن کے اندر تھے. تو کیا جب آپ کے پاس سارے اختیارات تھے, جب آپ کے پاس ساری وزارتیں تھی اور جنرل مشرف کا دور تھا, تو کیا آپ نے سندھ کو ڈیلیور کر کے دیا؟ دیکھیے بات یہ نا, بات اگر نکلے گی تو پھر بہت دور تلک جائے گی. اگر کوئی مسئلہ ہے ایون وسائل کی ڈسٹریبیوشن پہ, ڈی لمیٹیشن پہ کوئی مسئلہ ہے, حالانکہ ڈی لمیٹیشن کے اوپر آپ ہم بات چیت کر رہے تھے, آپ کی کمیٹی, ہماری کمیٹی. میں اس پہ ڈی لمیٹیشن پہ بھی آتا ہوں شمیلہ فاروقی صاحبہ, میں چاہوں گا کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں گے تاکہ پھر وہ اس کو آرام سے ڈسکس کر لیں میرے بھائی, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 جولائی کو جب میاں صاحب کا یہ فیصلہ ہوا تھا کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کرنے کا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کالنگ اٹینشن پہ بھی جو ہے اس کو بالکل دیا تھا, اسمبلی میں اس کو دیا ہے, اس پر بحث ہوئی. لیکن مجبوری صرف یہ ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر چیزیں بلڈوز کر دی جاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اتنے ایکسٹریم پہ نہیں گئے تھے کہ آپ نے صوبوں کی ڈیویژن کی نہیں بات کی تھی, صوبوں کی تقسیم کی بات نہیں کی. مجھے ہارون رشید صاحب سے یہ جاننے دیں, ہارون رشید صاحب, کیا یہ کوٹا سسٹم کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ اور مجھے بات یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ کہتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں لگ گیا, ان کو زیادہ فیسلٹیٹ کیا گیا, ہمیں نہیں کیا گیا, تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پورے سندھ میں ہی ہم آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ دیہی علاقوں میں لگ گیا, میں نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے اگر دیہی علاقوں پہ لگانا ہے تو اس پر جو ہے وہ دیہی علاقوں پہ لگائیں, نظر تو آئے نا. ایسا نہ ہو کہ جو ہے اندرونی سندھ پیسہ تو جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا, نظر نہیں آ رہا. میں یہ تو پوچھا وہ جا کہاں رہا ہے پھر پیسہ ہارون صاحب؟ وہ پیسہ بھائی آپ کو پتا ہے کہاں جاتا ہے, 4-5 ارب سرکاری کارپوریشنوں میں جاتا ہے, 4-5 ارب ٹھیکیداری نظام میں لوٹ لیا جاتا ہے, 2000 ارب روپے ٹیکس کم وصول کیا جاتا ہے, رشوت میں جاتا ہے, کرپشن میں جاتا ہے پیسہ. پلاننگ نہیں ہے,
कोटा सिस्टम से नहीं मसले हल होंगे, केक का साइज छोटा है इसलिए लोग लड़ झगड़ रहे हैं, इसका साइज बड़ा करना होगा। उसका तरीका क्या है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना होगा, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। इलेक्शन जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, रवादारी और अदल का नाम भी है, अदारों को काम करने देना होगा। पुलिस अपनी मर्जी की है, लोगों को दबा के रखा गया। तरक्की उस वक्त होती है जब तालीम हो, लोगों को आजादी मिले और वो एक डिसिप्लिन में रहेंगे। तीन बुनियादी उसूल हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रहा है, पैसे कहां से आए और किन लोगों के हाथ में मामलात हमने दे दिए हैं सियासत के, जो के सीरियस होते नहीं है, जज्बात से काम लेते हैं। दुनिया हमारे सामने, चीन में 81 में $180 फी कस इनकम थी, जो कहां पहुंच गई, 3,000 डॉलर पे गालबन पहुंच गई है, और हम $380 पे थे 81 में और हम $1,100 पे पहुंचे। इनफैक्ट हमने कोई तरक्की नहीं की है, अगर इन्फ्लेशन को, डॉलर की इन्फ्लेशन को हम लोग कह रहे हैं। ये पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान में मजीद 8 गुना जमीन जेरे काश्त आ सकती है अगर 10,000 रुपए फी एकड़ ड्रिप इरीगेशन पे खर्च किए जाएं। 10,000 रुपए एकड़ पे दुनिया में कहीं कोई जमीन नहीं मिलती, एक मरला जमीन की कीमत है। और ये बजाय प्लानिंग करने के और बजाय बैठ के अफहामो तफहीम के और ये देखने के, ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ कराने के, तालीम को बेहतर बनाने के, जिसके नतीजे में हमारा जो रिच ह्यूमन रिसोर्स है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, 7 दुनिया की बेहतरीन कौमों में है सलाहियत के एतबार से पाकिस्तानी कौम, उसकी बजाय सारा वक्त पावर या बरकरार रखने में लगे रहते हैं या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यह वाकया है कि उर्दू स्पीकिंग आबादी के साथ ज्यादती हुई है, यह वाकया है कि देही सिंध में अफलास बहुत है, एक जमाने में सिंधियों को इख्तदार से निकाल बाहर किया गया, फौजी हुकूमतें आई हैं, जो मेजर इश्यूज हैं उसमें क्यों नहीं जाते। अच्छा, मुझे एक बात क्या बचगाना लड़ाई है और क्या पॉइंट स्कोरिंग है ये? आप जी कह रहे हैं कि शायद ये रहम करें, ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको संजीदा होना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। मैं दावे से कहता हूं 3 दिन से ज्यादा का काम ही नहीं है ये। अच्छा हारून रशीद साहब, अभी आपने कहा कि ये वक्त नहीं है कि हम मजीद सूबों के हवाले से बात करें, जबकि सूबे बनना चाहिए क्योंकि मसाइल इतने सारे हैं, तो हम बेहतर है कि उन पर फोकस करें। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि साबिक वजीर आजम है, ये नहीं कह रहा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि साबिक वजीर आजम है और जब वो वजीर आजम थे उन्होंने कहा कि हम सरायकी सूबा बनाएंगे या जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, तो उस वक्त उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप मुल्क तोड़ रहे हैं या आप पंजाब तोड़ रहे हैं, आप मुल्क दुश्मन है। लेकिन सिंध में जब भी हम देखते हैं कि एमकेएम अगर कोई इशारा भी देती है सूबे की तरफ, तो फौरन ये आप उनको कह देते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये सिंध तोड़ना चाहते हैं, ये फर्क क्यों है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं, सिंधियों में इसमें बड़ी सेंसिटिविटी पाई जाती है। कायदे आजम जैसी शख्सियत ने जब कराची को कैपिटल बनाया, अलग तो नहीं किया था ना, तब भी सिंधी अखबारात ने बहुत बावेला किया और सिंधी अवाम को नागवार गुजरा था। जब इस्लामाबाद में कैपिटल बना, किसी को नागवार नहीं गुजरा। मिजाज होते हैं माशरों के, उनको मलहूज रखना होता है, लोग हसास हैं, लोगों ने तकलीफें सही हैं, उनमें शक और बदगुमानी पैदा हो गई है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, बैठे बैठ के बात करें, एतमाद साजी करें, सच बोलने में निजात है। रसूलल्लाह ने कहा सिद्क युंजी वल किज़्ब युहलिक, झूठ हलाक करता है, क्या चीज तबाह करती है, ना इंसाफी तबाह करती है। उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं सोचेंगे, एक दिन मरना भी है, खुदा को जवाब भी देना। हम एक दूसरे पर चीखते रहेंगे, सिंधी भी हमारे भाई हैं, सदियों से अफलाश के मारे हैं, ये उर्दू स्पीकिंग, इन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम रोल प्ले किया है, गैर मामूली सलाहियतों के लोग हैं, इनका बड़ा पोटेंशियल है, ये सब अकोमोडेट हो सकते हैं। ये फैज ने कहा था कि हर शय का बदल मिल सकता है, सब दामनपुर हो सकते हैं। ये लड़ाई झगड़ा बंद करें, आपस में बैठें। मैं आपसे कहता हूं ये कोई काम ही नहीं है, चंद दिनों में फार्मूला बन सकता है। बोन ऑफ कंटेंशन है जी, बोन ऑफ कंटेंशन है बल्दियात के इख्तियारात, जो सिंध के देही अवाम को भी मिलेंगे अगर बल्दियात को दिए गए, शहरियों को भी मिलेंगे। मुझे शमीला फारूकी साहब, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद इलेक्शन से पहले मुल्तान में कुछ अरसा रहा, मैं इलाके में घूमता रहा, वहां पे हर किसी से मैं जब सूबे की बात करता था तो वो जनूबी पंजाब सूबा नहीं कहते थे, वो कहते थे सरायकी सूबा। तो वो भी एक किस्म से आप कह सकते हैं कि डिमांड उनकी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव भी है लेकिन लसानी बुनियाद पर भी है। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ ये है कि किसी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को ये नहीं कहा कि आप मुल्क दुश्मन है, आप पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि मैंने अगर इशारा भी दिया या मैंने अगर करके भी बात की तो मुझे आप लोग मूल दुश्मन कहते हैं, ये फर्क क्यों है? खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी ने तो कभी उन पर इल्जाम नहीं लगाया कि वो मूल दुश्मन है या वो गद्दार है। अगर आपकी मीडिया की जानब से कुछ ऐसे
आपके दोस्त हैं ये बात कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं कहते कि वो गद्दार है। मैंने आपसे कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब मुहिब वतन हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी जमात उनकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन मसला इस वक्त सूबे बनाने का नहीं है। अगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की जा रही है तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, वहां के लोग ये कह रहे हैं, कोई एक शख्स उठ के नहीं कह रहा कि भाई जनूबी सूबा बना दो। गिलानी साहब अपनी मर्जी से नहीं कह रहे कि सूबा बना दो, वहां के लोग ये कह रहे हैं मेरे भाई। दूसरी चीज ये है कि हारून रशीद साहब की बात से मैं इत्तफाक करती हूँ इस हद तक कि ये कोई इतने बड़े नहीं है जो हम नहीं हो सकते हैं, बैठे मसले नीचे हक कर दें, ये कौन सी बड़ी बात है। मिसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन है या लिमिटेशंस के ऊपर इश्यूज हैं, बल्दियाती इंतखाबात पे इश्यूज हैं, आप कर लें। ये देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो हमें नजर आता है जो मसला है वो यही है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो डिलिमिटेशन हुई उससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज है। शायद जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सही ब्रीफ नहीं किया था हुसैन साहब को, वरना उनका तो फलसफा मोहब्बत का है, वो ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकते जो जिससे मुल्क को नुकसान हो। और मैं समझती हूँ पड़ी क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त थे मीडिया में, वो सही कह रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्त थे मीडिया में। शर्मिला फारूक साहब आप क्यों कह रही हैं कि मुल्क को नुकसान हुआ, ऐसी बात नहीं, ऐसी कौन सी बात की, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें वो कहते हैं इम्तियाजी बेसिस पर भी अगर सिंध में आप दो सूबे बना दें तो ये आप ये क्यों कहेंगे कि मुल्क को खतरा हो जाएगा इससे, जब पंजाब में हो सकता है इंतजामी बुनियाद पे तो सिंध में भी हो सकता है। मैं खाली एक बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकली इसको डिस्कस क्यों नहीं किया जा सकता। शहजाद साहब पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि मुल्क को खतरा हो जाएगा, बात यह है इस वक्त तो मुल्क को अंदरून और बहरून खतरा के है ना। सबसे बड़ा मसला तो दहशत गर्दी का है, दहशत गर्द तो चाहते हैं कि टूट जाए, तो क्या इस वक्त हमें जबान की बुनियाद पे किसी किस्म को रिमांड करना चाहिए। इस वक्त हमें हर चीज भूल के पाकिस्तानी बनने का मुजाहिरा करना चाहिए, जरूरी की तरफ पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर हम पाकिस्तानी बन के दिखाएं। ठीक है, मैं ये सवाल कि आसिफ हुसैन साहब से भी पूछूं क्योंकि मैंने जब इसको सोशल मीडिया पे एक सवाल रेस किया था तो मुझे लोगों ने बुरा भला भी कहा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप एमकेएम की हिमायत करें। आसिफ हुसैन साहब अगर करके भी अगर अल्ताफ हुसैन साहब ने एक सूबे की बात कर दी तो इस पर इतना शदीद रिएक्शन आता है, आपको क्या लगता है क्यों आता है? और जो मुझे फीडबैक मिला वो ये क्योंकि आप हमेशा लसानी बुनियाद पे बात करते हैं, इशारे ऐसे देते हैं कि उर्दू स्पीकिंग के लिए जो है सूबा बनना चाहिए या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो इसलिए शायद लोग इसको इतना ज्यादा एग्रेसिवली और आपके खिलाफ देखते हैं। मैं पहले वजाहत कर दूं इस बात की कि जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि जी एक मल्टीनेशनल जो फर्म थी कराची में और उसमें जॉब्स के लिए कहा कराची जो है वो सिर्फ चंद लोगों का थोड़ी है। अगर हम कराची की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम कराची में रहने वाली तमाम कौमियतें, ख्वाह वो सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, पश्तून, सबकी बात करते हैं। इसलिए हमने कहा जो कराची में रहते हैं लोग उनको वहाँ पे जॉब दी जाएं। दूसरी बात ये है कि देखिए ये बड़ा हमारा अलमिया है कि हम किसी को उसके अख्तियार नहीं देते, हम नाइंसाफ़ी करते रहते हैं और फिर जब वो चीज़ें हद से बढ़ जाती हैं, क्या मुझे बताएं कि बंगाली कौम जो है वो क्या गद्दार थी? आपने उनके राइट्स नहीं दिए, जब वो जीत कर आए अक्सरियत लेकर आए आपने हुकूमत नहीं दी और डिसाइड कर लिया इस बात को कि हम उनको हुकूमत में नहीं लाएंगे, उनके अख्तियारात नहीं देंगे। क्या बलोच कौम गद्दार है? आप उसको उसके राइट देने के लिए तैयार नहीं होते और फिर आप उसको मार मार के ही कहते हैं कि जी बलोच जो है वो गद्दार है। इसी तरह आज की सूरत हाल में देखें, आपके पास स्टैंडिंग है, आपको अल्लाह ने अख्तियार दिया है, आप अगर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं देंगे और सिर्फ बातों से काम चलाएंगे, सिर्फ आप ये लफाजी कर लेंगे कि जी हम तो बहुत कुछ दे रहे हैं, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले अदवार में जितना भी वक्त गुजरा है रातों रात ये बल्दियाती कवानीन तब्दील हुए। हमने तो तब्दील देने से पहले आपने जितने लोगों को सिंध में जो है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लगाया, मैं तो कह रहा हूँ रिकॉर्ड निकाल लें और देख लें कितने शहरी इलाकों के लोग लगे। खिताब करने से पहले क्या एमकेएम के किसी डेलीगेशन ने पीपल्स पार्टी से ये बात करने की कोशिश की कि मुनसफाना तकसीम नहीं हो रही है फंड्स की? क्योंकि ये आप अगर फ्रेंकली स्पीकिंग मुझसे पूछे तो उस वक्त हम भी एकदम से ये हो गए थे कि एक शदीद रिएक्शन है तकसीम के ऊपर, तो आप लोगों की कोई पूरे पांच साल अगर आप देखें जो कोर कमेटीज बनी उसमें लॉ ऑर्डर से लेकर वसाइल से लेकर डेवलपमेंट से लेकर इन्हीं चीजों पर तो डिस्कस होती रही और हम इन सारी चीजों को फेस करते रहे, लेकिन जब ये पांच साल तक चीजें नहीं हुई तो आपने देखा कि आखिरी दिनों में हमें हुकूमत से बाहर आना पड़ा
अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, इसी वजह से तो रिकॉर्ड कराया। अगर हम नहीं करते तो माजी में दो दो साल में हुकूमतें खत्म हो गई। हमारे ऊपर यही एलिगेशन होता है कि जी ये बाहर हो जाते हैं, सिंध की जो देही इलाकों की हुकूमतों को चलने नहीं देते। तो ये पूरे पांच साल तक इन्हीं चीजों पर प्रोटेस्ट होता रहा, एहतजाज होता रहा, कोर कमेटियां बनती रही और उनमें बातचीत होती रही, लेकिन जब वो सारी चीजें नहीं हो सकी तो फिर इस जनरल इलेक्शन के बाद हमें अपोजिशन में मुझे स्टार्ट से बैठना पड़ गया। एक और अहम सवाल है जो मैंने आपसे करना है, जिसका इशारा शमीला फारूकी साहब ने भी किया। एक ब्रेक ले लेते हैं, उस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। ब्रेक में जाने से पहले जब मैंने कहा था कि कभी भी अगर एक इशारा भी दिया जाता है सिंध में के दो सूबे बनाए जाएं या मजीद सूबे बनाए जाएं, तो उस पर लोगों का रिएक्शन बड़ा शदीद आता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ। शर्मिला कह रही है कि हमने तो कभी इनको नहीं कहा ऐसा कि ये मुल्क गद्दार हैं या मुल्क तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज ही पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाने का फैसला किया तहरीके इंसाफ ने, जिसमें यह कहा गया है कि एक तो कंडेम किया गया अल्ताफ हुसैन साहब की बात को कि नए सूबों के हवाले से उन्होंने बात की सिंध में, और पार्टीशन ऑफ द कंट्री यानी कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री मुल्क की तकसीम की बात की। तो मैं यही इसी तरफ इशारा कर रहा था कि दूसरे सूबों में तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन आसिफ हुसैन साहब इस पर तो हम काफी बात कर चुके हैं। अहम सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट मेरे सामने जिसपे वो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब आपसे आपकी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स अल्ताफ हुसैन साहब को उनकी पार्टी वाले ही गलत बता रहे हैं, तो वो उनको गुमराह कर रहे हैं। ये इल्जाम पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है MQM पर। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या कैमरे झूठ बोल रहे हैं, क्या मीडिया झूठ बोल रहा है, क्या जो बल्दियाती इलेक्शन का आपने हशर किया, जो उस बिल का हशर किया, क्या वो सारी चीजें झूठ बोल रही हैं? रातों रात जिस तरह आप जो है बिल और अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या पीर मदर साहब के बयान हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनने का, क्या वो जो है वो बयान गलत था, वो अपने तौर पर मीडिया ने दे दिया? मतलब इस तरह से ये चीजें नहीं हो सकती। और अब आप ये कहें कि जी उनके अपने लोग मिसगाइड कर रहे हैं, तो पहले उन लोगों को देखें जो पीपल्स पार्टी में रहकर जो फ्यूडल जो पीपल्स पार्टी में नहीं चाहते कि वो अपने लोगों को इख्तियार दें। वो आज शहरी इलाके के लोगों को भी अगर हारी और मदारा समझते हैं, जो अपने लोगों को देही इलाकों में समझते हैं, तो ये एक अलहदा बात है, क्योंकि ये वो माइंड सेट है। तो पीपल्स पार्टी में बैठा हुआ ये वही माइंड सेट है जो हमेशा हुकूमत में आता है और अपने इलाकों में ना डेवलपमेंट करता है, ना रोजगार देता है, ना उनको जो है वो इख्तियार देता है, और वही सारी चीजें जो शहरी इलाकों में इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि जी जो है वो MQM जो है वो इस तरह से चाहती है। कतई तौर पे अल्ताफ भाई ने तो कल ही सारी चीजों को और भी वाजे किया, और मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है। अभी देखिए कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बैठे आप, अब बैठ गए। डिलिमिटेशन के मामले पर जो ट्वीट था वो डिलिमिटेशन मामले पर था बिलावल भुट्टो का, उसमें वो कह रहे हैं कि आपसे जो है मुजाकरात हुए थे, आपसे बातचीत करके ही ये डिलिमिटेशन की गई। देखिए मुझे ये बताएं कि डिलिमिटेशन पर जो बिल लेकर आया गया वो जब हम अदालत में गए तो रातों रात अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट इसलिए की गई कि उनको पता था कि इनके खिलाफ ये जजमेंट आएगी जिस तरह की डिलिमिटेशन की गई है। तो इसमें कौन सी बातचीत हुई मुझे बता दें। और फिर जो हलका बंदियों पर एहतजाज होता रहा तो सिर्फ हमारा नहीं था, फंक्शन लीग से लेकर तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही थी। ये मुझे बताएं हारून रशीद साहब कि कल का जो ये फॉर्मूला दिया अल्ताफ हुसैन साहब ने, जिसमें वो कह रहे हैं सिंध वन जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, सिंध टू में वो लोग हों जिनको पीपल्स पार्टी सिंधी नहीं समझती उनको दे दिया जाए, बीच में कंपटीशन करवा लिया जाए कि कौन ज्यादा बेहतर डिलीवर करता है, ये आपके ख्याल में कोई प्रैक्टिकल बात है, ये मुमकिन है? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सूबे जब बनेंगे, छोटे सूबे बनेंगे, बनने चाहिए, वो इत्तफाक राय से बनेंगे, वो बाहमी एतमाद की फिजा में बनेंगे। इस सिचुएशन में तो जनूबी पंजाब जहां इतनी ताकतवर तहरीक थी और सब सियासी पार्टियों ने मान लिया था, वो नहीं बन सका। हजारा जहां 70-80% सपोर्ट थी, वो तहरीक उसकी दम तोड़ गई। इस तरह नहीं बनते सूबे, ये कुछ काम अफामो तफीम से होते हैं, महज प्रेशर बिल्ड करने से नहीं होते जी। और ये बात सही है कि MQM जब भी बात करती है तो वो इशारा देते हैं लसानी सूबे की तरफ, और इसीलिए जो है उनके खिलाफ रिएक्शन ज्यादा आता है। देखिए वो MQM चूंकि महाजर कौमी मूवमेंट थी शुरू में, वो एक चीजों का एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन इसमें बदगुमानी ज्यादा है। मैं समझ रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब एक धमकी तो दे रहे हैं
कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम दूसरी इंतहा तक जा सकते हैं, ये मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन बार बार वो कहते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे हुकूक नहीं देते, अगर हमें वसाइल में से पूरा हिस्सा नहीं देते, तो उस पर क्यों बैठ के बात नहीं करते? हमेशा असल इशू पे रहना चाहिए। असल इशू यह है कि बल्दियाती अदारों को इख्तियारात मिलने चाहिए। देखिए, कराची की तरक्की तो हुई बल्दियाती अदारों के जरिए है। नेमतुल्ला खान उसका बजट 2 अरब से 40 अरब तक ले गए, फिर मुस्तफा कमाल ने उसको और बढ़ाया, दोनों अदवार में जबरदस्त काम हुआ। कराची में तो काम ही नहीं हुआ था 30-40 बरस तक, उसके बाद काम शुरू हुआ है। इसी तरह छोटे शहरों में भी हो सकता है, लीडरशिप ग्रूम होती है बल्दियाती अदारों से, इख्तियारात देना नहीं चाहते। कोई भी नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। मैं अपने भाई से कहता हूं, इनसे ये जो पीपल्स पार्टी की शिकायत कर रहे हैं वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन पंजाब में एक आदमी के गिर्द, एक खानदान के गिर्द सब कुछ घूम रहा, जो कोई जनूबी पंजाब की आवाज नहीं, लाहौर के बाहर वसाइल जाते नहीं। हारून रशीद साहब, जब कोई पार्टी ये करना नहीं चाहती, अगर पीपल्स पार्टी नहीं करना चाहती, नवाज शरीफ साहब नहीं करना चाहता, तो कौन करेगा? फिर कौन करेगा? पर पब्लिक प्रेशर से हमेशा होता है, यही जमहूरियत का प्रोसेस है। बलोचिस्तान में हो गए हैं, हम पख्तूनख्वा कर रहे हैं, पख्तूनख्वा में उससे भी बेहतर होंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम पे होंगे और शहरी अदारों के अख्तियारात मिलेंगे इनको। इस पे देखिए, सिचुएशन डिक्टेट करती है, इनको सबको मानना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं, एक दूसरे के साथ बैठने का। वरना आप देखिए, बदमनी जब फैली 68 में मशरकी पाकिस्तान में, बात वो दुरुस्त कर रहे थे, उससे पहले 58 में तो मार्शल ला आता है, इसी तरह मुशर्रफ का मार्शल ला, इसी तरह जयालक का आया। वो वैक्यूम तो कभी पॉलिटिक्स में रहता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस को लोगों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, करनी चाहिए। 40 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, 30-35 साल हो गए इनको सियासत करते हुए। ये अवाम के नुमाइंदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मनमानी नहीं हो सकती है, एक दूसरे की बात सुनना पड़ती है। शमील फारूक साहब, दो चीजें, एक तो ये कि बल्दियाती इंतखाबात आप लोग क्यों नहीं करवा देते, और ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शुरू से नीयत नहीं थी पीपल्स पार्टी की, और जैसे हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं कि इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, पंजाब में भी जो है जो पावर है वो नीचे तक नहीं डिलीवर की जा रही है, एक तो ये चीज, और दूसरा ये भी मुझे बता दें कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन के साथ आप भी बैठी हुई थी और आप लोगों ने कहा कि मिसगाइड कर रही है एमक्यूएम के अपने लोग, जो है अपने कायद को मिसगाइड कर रहे हैं, इस चीज का क्या सबूत है मतलब आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने में उनकी नीयत साफ ना होती तो सिंध वो पहला सूबा ना होता जिसने बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी के हवाले से पहल करी और बड़ी मुशावरत के साथ करी, सबके साथ मिलके करी और बड़े खुशाइन तरीके से करी। दूसरी बात यह है कि हम नहीं गए, हमने जाके मामला नहीं फंसाया, मुतहदा कौमी मूवमेंट फंक्शनल गई। हम तो डिलिमिटेशन पे इशू था तो भाई हल कर लेते उसको, ऐसा कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है उसके अंदर। हमारी कमेटी थी, उसमें एक मुतहदा के भी लोग शामिल थे, वो कमेटी आपस चार्ज करती थी, उसमें बिजरानी साहब थे, सिकंदर महेंद्रो साहब थे, हनेसार खोरो थे। वो तो कहते हैं ना कि हमने तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, आपसे बातचीत कर ली, उसको नहीं तब्दील किया जा रहा था, इसलिए हम गए। क्या नहीं किया जा रहा था? जो डिलिमिटेशन थी उस पर आप लोगों ने एक हतनी फैसला कर लिया था और उसको तब्दील नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से इनको कोर्ट जाना पड़ा। नहीं, सब शहजाद मुझे मालूम है, सब बातचीत जो है बड़े खुशाइन तरीके से चल रही थी। जहाँ छोटे मोटे इशू थे वहाँ पर अगर कोई मामला था तो क्या पिछले 5 साल में हम हल करते नहीं आते? जो अब नहीं हल कर सकते थे पिछले 5 साल में तो हल नहीं हुए, क्योंकि पिछले 5 साल में बदियाती इंतखाबात कभी हुए ही नहीं ना। अदालत अब चूंकि डिलिमिटेशन के हवाले से जो अमेंडमेंट थी उसको उन्होंने नल एंड कर दिया। अब जो नॉमिनेशन दायर हुई थी वो तो नई डिलिमिटेशन के हवाले से थी, तो जाहिर बात है इन ऑल फेयर प्रोसेस वो भी नल एंड हो गई है। तो अब तो मामला डिले तो होगा, हम नहीं चाहते, हम तो अभी भी कराना चाहते हैं, लेकिन हमारा इतना तो राइट है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और जो हमारा मौकफ है वहां पर अपना केस तो लड़ें। दूसरी चीज ये है कि देखिए, बात यह है, हारून रशीद साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आज पता नहीं क्यों मैं हर बात से उनकी इत्तफाक कर रही हूँ। वो सही कह रहे हैं कि हमें मिल बैठ के ही बातचीत करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ना मुतहदा के पास है ना हमारे पास है, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना है। दुरुस्त बात है, मेरी बात का भी जवाब दे देना, क्योंकि बात नहीं होगी। जो अहम बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने ये क्यों कहा कि एमक्यूएम के अपने लोग ही अपने कायद को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं? इसलिए कि शायद अल्ताफ हुसैन साहब को सही नहीं बताया गया, मशावरत हो रही थी डिलिमिटेशन के ऊपर, बड़ी अच्छी तरीके से हो रही थी,
ये तो अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले अपनी टेलीफोनिक खिताब के अंदर कहा है कि कुछ लोग इन्हीं की पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो उनके फलसफे और उनकी पॉलिसी से नहीं चल रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे लोग तो फिर है ना मुत्तहिदा कौम। ठीक है, मेरे एक आखिरी आपसे सवाल ये है फारूकी साहिबा, कि अल्ताफ हुसैन साहब हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, आमांगी की बात करते हैं, उनका फलसफा मोहब्बत है, ये उनका कोई कोई शमीला फारूकी साहब पॉसिबिलिटी के सिंध वन सिंध टू करके इसको डिवाइड कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी को सिंध वन दे दे, ये फॉर्मूला जी क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी के उसको डिवाइड कर दिया जाए? भाई सिंध ने क्या कसूर किया है? सिंध में सिर्फ अगर कोई वसाइल का मसला है तो वो तो हल हो सकते हैं ना, क्या सिंधी महाजर आपस में भाई नहीं है, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं किया कि इतने सालों से सिंध में तो कोई मसला ही नहीं है? एक लास्ट कॉमेंट आसिफ हुसैन साहब से मैं ले लूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम पर वाइंड अप करना है, एक लास्ट कमेंट आसिफ हुसैन साहब, ये प्रैक्टिकल नहीं है जो कल का है, हारून रशीद साहब का भी यही कहना है, पीपल्स पार्टी भी इस पर राजी नहीं है कि सिंध वन सिंध टू करके आप कंपटीशन करवा लें दो जमातों के दरमियान। देखें हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमें आप ये मान लें हम सिंध का हिस्सा हैं और माजी में जो कुछ किया है उस सारी चीजों को रिव्यू करें, चीजों को खत्म करें। लिसानी बिल माजी में MQM नहीं लेकर आई 73 में, मतलब वो लिसानी बिल आप लेकर आए। आज हमारे ऊपर जो लोग इल्जाम लगाते हैं उनको पता है कि जी सिंध के अंदर 40 और 60 का कोटा और लिसानी बिल की जो है वो कौन लोग इसकी हिमायत करते रहे, कौन लोग लेकर आए। और आज भी हम कह रहे हैं कि ठीक है जी माजी से सबक हासिल करें, आप कहते हैं कि जी कोऑर्डिनेशन कमेटी आपकी काम करती रही डिलिमिटेशन पे और रातों रात आप जो एहतजाज के बावजूद आप बिल लेकर आ गए और अमेंडमेंट कर ली। अगर आपने वो अमेंडमेंट की तो सबको पता है कि अगर ये बातचीत हो रही थी तो अमेंडमेंट रातों रात कैसे हो गई, अचानक कैसे बिल आया, कैसे जो है वो आपने पास कर दिया, आपने क्यों नहीं किसी की सुनी, जायज बातों पे क्यों नहीं आपने बैठकर जो है वो नेगोशिएशन की। आसिफ हुसैन साहब इस को डिस्कशन को इंशाल्लाह फिर हम कंप्लीट करेंगे अपने किसी और प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हुसैन साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने का, हारून रशीद साहब सीनियर तजकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शमीला फारूकी साहब थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस ऑन द फोन। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जाग।